आर्थिक राजधानी मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुंबई के दर्जनों इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बांद्रा की झुग्गी बस्तियों में पानी भर चुका है। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। यदि हम मुंबई से सटे थाने जिले के कल्याण और अंबरनाथ इलाके की बात करें तो यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कल्याण पश्चिम में खाड़ी का जलस्तर बढ़ने के बाद रेती बंदर क्षेत्र के किनारे रहने वाले नागरिकों के घरों में पानी घुस गया है। रेती बंदर इलाके में स्थित तबेले में पानी भर जाने के बाद सभी भैंसों को गोविंदवाड़ी पुल पर बांध दिया गया है। इसके अलावा अंबरनाथ में स्थित 960 साल पुराने शिव मंदिर में भी पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश के कारण मंदिर परिसर में पानी भर गया है और मंदिर के भीतर की शिवलिंग का स्थान पूरी तरह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। आपको बता दें कि वालधुनी नदी शिव मंदिर के पास बहती है। भारी बारिश के कारण नदी का प्रभाव भी बढ़ गया है। अंबरनाथ तालुका में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसके कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। अगर बारिश जारी रही तो शहर में बाढ़ आने की भी संभावना है। उल्लासनगर के पास महराल गांव में सफाई न होने से नाले का पानी सीधे नागरिकों की सोसाइटी और स्कूल परिसर में भर गया है। इसलिए छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। लगातार बारिश के कारण नालों का पानी आसपास की सोसाइटियां, स्कूलों और सड़कों पर बहने लगा है। इसके अलावा कल्याण के अशोकनगर इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। अशोकनगर में अनेक घरों में पानी भर गया है। मकान में रहने वाले निवासी मकान छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाके में युवक नदी में तैरकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। नदी के बहाव के कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका है। हालांकि कुछ पानी घरों में भी घुस गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि नागरिक घर में ही रह रहे हैं और बच्चे भी नदी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुल मिलाकर बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। ये तो पानी दो तीन घंटा हो गया भर के, देखो अभी तक कब तक होता है पानी। कोई सहायता आया कोई महानगर पालिका से? ऐसा कुछ नहीं आया। कोई राहत कार्य? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो डूबे हुए हैं? सब डूबे हुए घर इधर। ऐसे कितने घर हैं यहाँ पे? और अभी तक यहाँ का कोई नहीं आया है। पानी सुबह से भरा हुआ है लेकिन अभी तक ना हमारे यहाँ नगर सेवक आया है ना आमदार आए हैं, कोई नहीं आया है। ना अभी तक किसी को कोई सहायता मिली है, ना किसी के लिए कोई खाना आया है, कुछ नहीं आया अभी तक। तो पानी कब यहाँ पे आया? ये क्या हमेशा का ये यहाँ पे? ये हमेशा का है, ये हमेशा यहाँ पानी हमेशा भरता है। ऐसे कितने यहाँ पे घर है? ऐसे कितने घर? कभी यहाँ कोई इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। यहाँ पे घर लगभग यहाँ पे 250 घर हैं। यहाँ 250 घर हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है।